तो आज हूँ मैं अपने मायके में और ये भाई साहब नवाब देखो सोए हैं, सुबह के 10 बज गए हैं लेकिन ये उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो मैं आई हूँ उठाने के लिए, क्योंकि ये बहुत कामचोर है और कोई काम नहीं करता है, सारा दिन सोया रहता है, नवाब जैसा घूमता रहता है। तो मैं इसको अभी उठाने आई हूँ, काम कर और उठ जा करके। तो उसको अभी सुबह सुबह फ़ोन चाहिए होता है और गाना सुनना होता है, फिर जाके उसकी मॉर्निंग स्टार्ट होती है। और ये जो है ना, ये वाला मैंने अपने मायके में लगाया था, दो इसमें से टहनियाँ काट काट के, तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो मैं कुछ दिन के बाद लेके जाऊंगी इसको, तो मतलब टहनियाँ ले जाऊंगी एक आध। और मेरे घर में देखो नींबू भी हुआ है, बहुत मस्त वाले नींबू, छोटे छोटे और बहुत खट्टा होता है। और मम्मी ने नहीं, पापा ने काफ़ी अच्छा फूल लगाया है। लेकिन मेरे पापा ना हर एक चीज़ में ना क्या करते हैं, एक ही चीज़ बार बार लगाते हैं। मतलब कुछ नया, ये नहीं कि नया कुछ लेके आऊँ, उनको बस गुड़हल लगाना है तो गुड़हल ही लगाते हुए जाना है वैसा। और आज देखो पूरा सुबह जो है ना सबूज सबूज है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये देख के ना मैं एकदम से 2 मिनट के लिए रुक गई थी। और देखो यहाँ पे केला हुआ है, लेकिन ये जो केला है ना, ये हम पका हुआ वाला नहीं खा सकते, पका हुआ वाला मज़ा नहीं आता है। लेकिन हाँ, कच्चा केला जो सब्जी बना के खाते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी तो मैं नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन ये फ़िश से अच्छा लगता है। और सुबह का हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मम्मी ने थेपला बनाया था और चना। मायके से आ गई घर, और घर आने के बाद देखो कितना सारा मैंने काम किया, मैंने और मेरे पति ने दोनों ने मिलके। और आज ना हम लोगों ने काफ़ी कुछ धोया, क्योंकि माधव ने ना कल बेड पे कई बार सुसु किया, तो इसलिए मुझे धोना पड़ा सब कुछ। और जल्दी सूख भी जाता है, क्योंकि हम मशीन में ड्राई कर देते हैं, फिर धूप इतनी होती है कि 4-5 मिनट में ही सूख जाता है मेरा कंबल। और माधव और माधव की बहन देखो, दोनों भाई बहन यहाँ पे चेयर पे बैठे हैं। दोनों भाई बहन को देख के इतना अच्छा लग रहा था ना, तो फिर मैं रोक नहीं पाई खुद को, फिर मैं वीडियो बना के रख दिया। और यहाँ पे देखो मेरे एडोनियम में ना काफ़ी अच्छा फूल आया है, छोटा छोटा फूल आ रहा है लेकिन खिल नहीं रहा है। और ये सब में फूल आ गए हैं, और वैसे मैं फूल खिले हुए वाले ही लेके आई थी, और ये छोटे छोटे हैं, पता नहीं कैसे हो ही नहीं रहे हैं। और मेरे हस्बैंड ना वो खाद लेके आए हैं, वो मेल्ट ही नहीं हो रहा है, अच्छा ग्रो भी नहीं कर रहा है पेड़ पौधा। और यहाँ पे देखो दोनों भाई बहन अभी बैठ बैठ के कितना अच्छा खेल रहे हैं, इनको देख के ना बहुत प्यारा लग रहा है। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि इन दोनों में इतना प्यार देखने के लिए मिलता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों के बीच इतना झगड़ा, इतना मारपीट होता है, पूछो ही मत। वैसे साक्षी ने कभी माधव को मारा नहीं है, लेकिन हाँ माधव बहुत मारता है साक्षी को, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो आती साक्षी उसके साथ खेलने के लिए है, और वो मतलब कभी कभार चिढ़ जाता है, क्योंकि वो साक्षी ना मतलब अतिरिक्त प्यार कर देती है, तो फिर वो चिढ़ जाता है ज़्यादा करके। और माधव अभी समझता नहीं है उतना कुछ, तो अभी के लिए बाय बाय।